नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार। यूपीएससी सिलेक्शन रद्द करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची पूजा खेड़कर, सुनवाई जारी। जुलाई में ही पीक पर पहुंच गए डेंगू के मामले, इन राज्यों में तेजी से बढ़ते आंकड़ों ने डराया। पॉक्सो का सामना कर रहे येडियुरप्पा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले, सीएम सिद्धरामैया का पलटवार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ऐसा ससुराल किसी को ना मिले, बहू का किया ऐसा हाल, बार बार कहती रही छोड़ दो मैं भाग जाऊंगी। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह भारत में भी हो सकता है, सलमान खुर्शीद ने कहा। मुंबई, मूक बधिर व्यक्ति की हत्या का एक और वीडियो आया सामने, पीड़ित को पिटता दिखा आरोपी। अयोध्या दुष्कर्म पीड़िता का किया गया अबॉर्शन, डीएनए टेस्ट के लिए लिया भ्रूण का सैंपल। दिल्ली में डीडीएल आ रहा है 40,000 फ्लैट की स्कीम, दाम 11.5 लाख से शुरू। एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाने के आरोप निराधार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कैंसर के इलाज के लिए भारत आई थी बांग्लादेशी महिला, अब नहीं जा पा रही देश वापस। मनु भाकर स्वदेश लौटी, पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर रचा इतिहास। बांग्लादेश, एयर इंडिया विस्तारा और इंडिगो ने ढाका के लिए आज से शुरू की फ्लाइट। दिल्ली सीएम केजरीवाल की एलजी को चिट्ठी, कहा 15 अगस्त को मंत्री आतिशी फहराएंगी झंडा। बांग्लादेश, ढाका से 199 यात्रियों और 6 नवजातों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। बांग्लादेश से दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान, पैसेंजर बोले वहां सब ठीक है। दिल्ली, केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली कोचिंग हादसा, बिल्डिंग के मालिकों की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। हम आग्रह करते हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन लोकतांत्रिक हो, व्हाइट हाउस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी की सीट बंटवारे पर चर्चा। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई, ताऊ महावीर फोगाट के एक छलके आंसू, बोले कहने को शब्द नहीं है। वक्फ कानून में क्या बदलाव होने जा रहा है, रात में लोकसभा सांसदों को दी गई विधेयक की कॉपी। बांग्लादेश के बाद अगला नंबर भारत का है, बोले कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा। न्यू हज पॉलिसी, नई हज नीति पेश, सरकारी कोटा घटाकर 70% किया गया। बांग्लादेश में संकट के बीच एक्शन में एयर इंडिया, ढाका से 205 लोगों को लेकर आया स्पेशल चार्टर्ड प्लेन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चली जाएगी कुर्सी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, जाने क्या है पूरा मामला। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।